हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज हम बात करने वाले हैं हमारे एंटी साइकोटिक ड्रग के अंदर एक नए टॉपिक के बारे में, दैट इज बाइपोलर डिसऑर्डर, या इसी को हम मानिया डिसऑर्डर के नाम से भी जानते हैं। ये आपके फर्स्ट यूनिट के आखिरी पार्ट होगा। इसके बारे में हम बात करेंगे कि व्हाट इज बाइपोलर, व्हाट इज मानिया डिसऑर्डर। फ्रेंड, जैसा कि हम हमेशा करते हैं, सबसे पहले हम अपने टॉपिक को समझते हैं कि वो टॉपिक कहना क्या चाहता है। कई बार ऐसा होता है कि वो टॉपिक को समझ करके आप अपने काफी सारे एक्सप्रेशन को इसमें यूज कर सकते हैं। जैसे आज का टॉपिक है बाइपोलर डिसऑर्डर। इसमें अगर आपको पूरे वर्ड का मतलब नहीं मालूम भी होगा तो भी एक ऐसा वर्ड है इसमें जिसका मतलब आपको काफी टाइम से मालूम है, दैट इज बाई। बाई मतलब होता है दो। तो बाइपोलर डिसऑर्डर मतलब एक ऐसा डिसऑर्डर जो कि आपकी मेंटल एबिलिटी या साइकोलॉजिकल कंडीशन से जुड़ी हुई है, जिसमें आप दो तरह के बिहेवियर शो करेंगे। ये दो तरह के बिहेवियर कौन कौन से होते हैं? बाइपोलर डिसऑर्डर में जो दो तरह के ऑपोजिट एक दूसरे के साथ रिस्पॉन्स करने वाले बिहेवियर हैं, उनमें से पहला होता है मानिया और दूसरा होता है डिप्रेशन। यानी कि बाइपोलर डिसऑर्डर इज अ साइकिल और कॉम्बिनेशन बिटवीन मानिया एंड डिप्रेशन, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज अ बाइपोलर डिसऑर्डर। दो तरह के मूड की प्रॉब्लम। इसमें किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की, जिसको हम अभी पेशेंट के नाम से जानेंगे आगे आने वाले समय में, तो ऐसे पेशेंट के अंदर दो तरह के विचार चल रहे होते हैं और ये दो विचार आपस में एक रेगुलर या एक फ्रीक्वेंट या एक इररेगुलर पैटर्न में स्विंग होते रहते हैं, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक रूप से वे स्विंग होंगे। स्विंग कहने का मतलब है कि कभी इस तरफ कभी इस तरफ, इन दोनों में स्विंग होता रहेगा। कभी उनका मानिया एक्सप्रेस होगा, कभी उनका डिप्रेशन एक्सप्रेस होगा, और इन दोनों को कंबाइंड रूप से हमने नाम दिया है मैनिक डिसऑर्डर और बाइपोलर डिसऑर्डर। अब हम समझेंगे कि मानिया का मतलब क्या होता है और डिप्रेशन का मतलब क्या होता है। इसके पहले में जब हमने स्टार्टिंग में बात किया था एंटीसाइकोटिक ड्रग के बारे में, और उसके इंट्रोडक्शन में भी हमने यही डायग्राम बनाया था जो आज आप अपने राइट साइड के टॉप कॉर्नर पर देख रहे हैं। मानिया और डिप्रेशन दो ऑपोजिट सिम्टम दिखने वाले साइकोलॉजिकल कंडीशन हैं। इसमें कोई पर्टिकुलर पर्सन अगर मानिया की कंडीशन में होता है तो वो ओवर जॉय, ओवर एंथुजियाज्म, ओवर एक्साइटमेंट की फीलिंग शो करता है, और उसके बाद जैसे आप देख सकते हैं ब्लू कलर में हमने मानिया को डिनोट किया हुआ है, वो हंसता हुआ, कुछ ज़्यादा एक्साइटेड करता हुआ दिखेगा, एनर्जेटिक फील करता हुआ दिखेगा। लेकिन जब वो उसके मूड में सडन स्विंग होंगे तो वापस से वो चला जाएगा डिप्रेशन के केस में। और आपको अच्छे से मालूम है डिप्रेशन मतलब एक ऐसा कंडीशन जहाँ पे मेंटल सैडनेस, होपलेसनेस, रेस्टलेसनेस, हेल्पलेसनेस, इस तरह की कई सारी ऐसी एक्टिविटी दिखेंगी जहाँ पे पर्टिकुलर पर्सन खामोश हो जाएगा, शांत बैठेगा, अपने आप को उस पॉपुलेशन से, उस भीड़ से अलग करके किसी कोने में खुद के साथ इंगेज रहेगा, अपने वो सारे एक्टिविटी को धीरे धीरे लूज करता चला जाएगा जिस एक्टिविटी को करने में पहले वो बड़ा इंटरेस्ट लिया करता था। तो कभी इस तरह का एक्साइटमेंट जैसे कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा पावर आ गया हो, और कभी तुरंत डिप्रेशन की ओर चला जाना जैसा कि आपके सारे पावर खत्म हो गए हों। इस तरह के मूड में सडन चेंज होना, स्विंग होना, अल्टरेशन होना, इट इज सिंपली नोन एज अ बाइपोलर डिसऑर्डर। और चूंकि हम बार बार यहां पे कह रहे हैं कि बाइपोलर डिसऑर्डर में मानिया और डिप्रेशन के दो कॉम्बिनेशन हैं, तो हमको सबसे जरूरी यहां पे इस टॉपिक में ये बनता है कि आपको ये पता चले कि मानिया के क्या सिम्टोमेटिक सिम्टम्स हैं और आपके डिप्रेशन के क्या फीचर्स या क्या सिम्टम्स हैं, ताकि हम दोनों के सिम्टम को इजीली समझ सकें और आपके आसपास कोई पर्टिकुलर पेशेंट ऐसा हो जिसमें इस तरह के सिम्टम बार बार स्विंग हो रहे हों तो आपको अंदाजा लग सके। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और उनके फीचर्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं मानिया के कुछ फैक्ट के बारे में, मानिया यानी कि बाइपोलर डिसऑर्डर के कुछ पॉइंट के बारे में। सबसे पहला है बाइपोलर। तो बाइपोलर जैसे हमने कहा, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मानिया एज वेल एज डिप्रेशन। सो दैट मानिया के अंदर होगा इलेशन, इसका मतलब होता है ओवर जॉयफुलनेस, काफी ज्यादा जरूरत से ज्यादा खुश होना, जॉयफुलनेस दिखाना, और डिप्रेशन मतलब होता है सैडनेस। तो एक ऐसा मिक्सचर है, एक ऐसा कॉम्बिनेशन है बाइपोलर डिसऑर्डर का। कभी हंसता हुआ आदमी अचानक से सैड हो जाएगा, वापस से वो आपके साथ घुल मिल करके एंजॉय करने लगेगा। तो ये जो स्विंग्स, सडन चेंज इन माइंड एंड मूड है, यही कहलाता है हमारा बाइपोलर डिसऑर्डर। दूसरा पॉइंट है क्रॉनिक है, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा गया है। इट इज क्रॉनिक रीअकरिंग कंडीशन। पहले तो समझ लेते हैं वर्ड क्रॉनिक का क्या मतलब है। अभी तक आपने अगर हमारे 200 वर्ड्स एंड देयर मीनिंग अगर देखे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्रॉनिक का मतलब क्या होता है। क्रॉनिक एक ऐसा कंडीशन है जो धीरे धीरे स्टार्ट होता है, सडनली उसका जो सिम्टम्स है वो स्टार्ट नहीं होता, वो स्लोली स्लोली स्टार्ट होता है, और जैसा कि वो स्लोली स्लोली स्टार्ट होता है, इसको ठीक करने में भी समय धीरे धीरे ही जाकर के ठीक होता है। तो दिस इज कॉल्ड क्रॉनिक, जो लंबे समय तक चलता हो। तो क्रॉनिक रीअकरिंग कंडीशन, रीअकरिंग कंडीशन मतलब होता है दोबारा से उसके हो सकने वाली पॉसिबिलिटीज, तो दिस इज कॉल्ड क्रॉनिक रीअकरिंग कंडीशन। अब आगे देखें,
वेरिंग डिग्री ऑफ मूड स्विंग। इसमें जो मूड स्विंग है वो कभी भी वेरिएटेड हो सकता है, कभी कुछ, कभी मानिया, कभी डिप्रेशन, कभी वापस से मानिया डिप्रेशन। ये जो साइकिल्स है, फ्रिक्वेंट साइकिल है, इरेगुलर मूड स्विंग है, ये भी उसमें देखने को मिल सकते हैं। अब चूंकि हमने यहाँ पे मानिया और डिप्रेशन को प्लस करके बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में बताया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने रेड कलर में हैश और ब्लू कलर में स्टार को डिनोट किया हुआ है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ फीचर्स ऑफ डिप्रेशन की। हालांकि इसके और भी बहुत सारे फीचर्स हैं डिप्रेशन की, हमने कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स को यहाँ पे कोट किया हुआ है। आज का जो टॉपिक है वो स्पेसिफिकली लिया गया है कॉन्सेप्चुअल फार्माकोलॉजी बाय पी जगदीश प्रसाद। ये बुक बहुत ही अच्छी है। तो अगर आप फार्माकोलॉजी की कॉन्सेप्ट को पॉइंट वाइज क्लियर करना चाहते हैं तो इट्स माय पर्सनल सजेशन फॉर यू कि यू कैन प्रीफर दिस बुक। ये बुक आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को पॉइंट वाइज क्लियर करने में काफ़ी मदद करेगा। लेकिन अभी अगर आप फोर्थ सेमेस्टर में हैं तो आप फिफ्थ सेमेस्टर से इसको पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। अगला है हमारा कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ डिप्रेशन। तो समझ लेते हैं डिप्रेशन के फीचर्स क्या हैं। डिप्रेशन कहने का मतलब ये होता है कि जब कोई पर्टिकुलर पर्सन अपनी मेंटल एबिलिटी को उस लेवल तक यूज नहीं कर पाता जिस लेवल तक वो यूज किया करता था। और डिप्रेशन सडन होने वाली कंडीशन नहीं है। पहले कोई पर्टिकुलर पर्सन नॉर्मल स्टेट में रहेगा, उसके बाद उसके अंदर जैसा कि हमने पिछले बार बताया था एक रिस्पॉन्सिव डिप्रेशन होगा और एक होगा एंडोजिनस डिप्रेशन। तो ये दोनों तरह का डिप्रेशन हो, चाहे उसका कॉज उसके डेली लाइफ से कुछ स्ट्रेस कंडीशन की वजह से डिप्रेशन हो, या उसके अंदर उसके ब्रेन में किसी तरह के न्यूरोट्रांसमीटर के इम्प्रॉपर बैलेंस यानी कि इम्बैलेंस की वजह से हो। तो हमारे में से दोनों भी कोई कॉज हो, उसके सिम्टम लगभग एक जैसे होते हैं, सिम्टोमैटिक तरीके से हम उसको समझ सकते हैं। अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन डिप्रेस कंडीशन में है तो वो आपको परसिस्टेंटली सैड दिखेगा, वो काफी दिनों तक कंटिन्यूसली उदास दिखेगा। अगर वो नेचुरल, जैसे हमने याद चीज एक चीज और रिपीट करना चाहूंगा, हमने कहा था कि आजकल ये जो वर्ड है डिप्रेशन और एंजाइटी बहुत ही कॉमनली और कैजुअली यूज किए जाते हैं। अगर कोई मार्क्स कम लाने वाला है तो आप ये कह सकते हैं कि वो डिप्रेशन में है। तो एक एक्चुअल में हम फार्माकोलॉजिकल डिप्रेशन को कैसे समझें? अगर वो डिप्रेशन काफी दिनों तक परसिस्टेंट रहता है, यहां जो एक वर्ड है परसिस्टेंट, ये काफी कुछ कह देता है। अगर वो काफी दिनों तक उसी सैडनेस कंडीशन में रहे तो वो डिप्रेशन की ओर मूव कर रहा है। लेकिन आज सुबह डिप्रेस होकर के कल शाम तक वापस से ठीक हो जाए, दैट इज यूजुअल पार्ट ऑफ लाइफ। वो एक छोटा सा हिस्सा है जो हर किसी के साथ होता रहता है। तो अगर कंटिन्यूअसली वो सैड रह रहा है, कंटिन्यूअसली वो एनेक्सियस फील कर रहा है, नाउ व्हाट इज एनेक्सियस? इसके पहले के वीडियो में आपने देखा था एंजाइटी क्या होती है। एनेक्सियस यही है एंजाइटी की कंडीशन, जिसमें कोई पर्टिकुलर पर्सन आने वाले फ्यूचर के लिए कुछ ज्यादा ही वरी करता है। यहाँ पे फिर से कहना चाहूंगा, नॉर्मल फियर फ्यूचर के लिए जेन्युइन है, लॉजिकल है। नॉर्मल डिप्रेशन कुछ अच्छा ना होने की वजह से वो भी जेन्युइन है। लेकिन अगर ऐसे डिप्रेशन, अगर ऐसे फियर जो कि आपके नॉर्मल रूटीन लाइफ को स्पॉइल कर रहे हों, तो वो डिप्रेशन या वो एंजाइटी अब नॉर्मल ना होकर के आप क्लिनिकल हो जाएगी। तो ऐसे पर्टिकुलर पर्सन कंटिन्यूसली सैड रहेंगे, डरे हुए सहमे हुए रहेंगे अपने फ्यूचर के लिए, किसी की एक्सपेक्टेशन के लिए। उसके बाद होगा एम्प्टी मूड। यहाँ पे एम्प्टी मूड कहने का मतलब ये है कि वो दिमाग खाली होगा, उसमें जैसा फीड आएगा ऑन द स्पॉट, जैसी फीलिंग आएगी सडन ट्रिगरिंग करेगी, वैसा ही वो उसको रिस्पॉन्स करेगा। जैसे आपके मूड काफी इलेवेटेड होते हैं, आपके माइंड में हर चीज प्लान्ड होती है कि आपको मॉर्निंग में क्या करना है, नून में क्या करना है, और उसके बाद इवनिंग और द नाइट में क्या क्या करना है। ये आपके माइंड में आपने एक फिल करके रखा हुआ है डाटा, उसी के साथ साथ आप उस चीज को एम्पलीफाई करते चलेंगे, इंप्लीमेंट करते चलेंगे। लेकिन ऐसे पर्टिकुलर पर्सन जो डिप्रेशन की कंडीशन में है, उनके माइंड में ऐसा कुछ प्लानिंग नहीं होगा, वो क्या करने वाले हैं, क्या प्लानिंग है उनकी, इनको कुछ भी मालूम नहीं होगा। सडन उनके मूड में जैसा रिस्पॉन्स आएगा, जैसी इच्छा होगी उनकी, वो ऐसा ही रिस्पॉन्स करने लगेंगे। तो आपने एक कहावत सुनी होगी, खाली दिमाग शैतान का घर भी होता है। तो एक्चुअल में वो मुहावरा है, लेकिन आई डोंट केयर कि ये चीज़ कोई गलत होगी, लेकिन वो जो मुहावरा है मेरे ख्याल से ऐसे ही कंडीशन में यूज़ किए जाने वाले हैं। क्योंकि खाली दिमाग जहाँ कुछ करने के लिए नहीं है, वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं होंगी, और ये बेचारे उन पर्टिकुलर पर्सन के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो उस डिप्रेशन की कंडीशन में है। तो मैंने पहले भी वीडियो में कहा था कि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि इस टॉपिक को हमको फार्माकोलॉजिकल एस्पेक्ट के साथ तो पढ़ना ही चाहिए, लेकिन साथ साथ इसको फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी टच करने की जरूरत है। ऐसा कोई भी पर्टिकुलर पर्सन जिनमें इस तरह के सिम्टम दिखते हैं, जरूरी नहीं कि वो क्लिनिकल सिम्टम हो सकता है कि वो नेचुरल लाइफ के सिम्टम हो, बट दे नीड योर केयर एंड अटेंशन। यू शुड गो टू देम, यू शुड टॉक टू देम एंड ट्राई टू सॉल्व देयर पर्सनल और सोशल प्रॉब्लम सो दैट दे मे नॉट फेस द क्लिनिकल लेवल ऑफ एंजाइटी और डिप्रेशन इन देयर अपकमिंग लाइफ। सो आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट सिम्टम की। अगर आप डिप्रेशन की बात करेंगे तो नेक्स्ट सिम्टम है फीलिंग ऑफ होपलेसनेस। फ्रेंड, ये जो सिम्टम है बहुत डेंजरस है, और इसी को हमने लाल कलर से डिनोट किया हुआ है।
फीलिंग ऑफ होपलेसनेस का क्या मतलब होता है कि आप किसी से उम्मीद करना ही छोड़ देते हैं, आपको लगता है कि अब आपके लाइफ में कोई भी उम्मीद ना बची। इसको अगर आप हिंदी में समझना चाहेंगे, इसे कहते हैं ना उम्मीदी की फीलिंग, जिसमें अपने आप से आपको कोई एक्सपेक्टेशन ना हो, कोई उम्मीद ना हो। और दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल टू एग्जाम्पलीफाई और एक्सप्लेन द डिप्रेशन। ऐसा कोई पर्टिकुलर पर्सन जिसको अपने आप से कोई उम्मीद ना रह जाए, वो आगे जाकर के लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं है तो यू कैन नॉट डू अ सिंगल टास्क। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है डिप्रेशन का, जो कि उस पर्टिकुलर पर्सन को और लेवल को बढ़ाते जाता है, अपने आप के ऊपर गिल्ट आनी शुरू हो जाती है। उसके बाद लिखा हुआ अगला वर्ड गिल्ट, चूंकि अपने आप से कोई उम्मीद नहीं रखेगा इसलिए वो अपने आप से अब गिल्ट करने लगेगा। उसको हर चीज पे गिल्ट लगेगा कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मुझसे ये नहीं हो पा रहा, बाकी लोग ये कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। इस तरह के जो अनयूजुअल कंपैरिजन है, कंपैरिजन इज गुड फॉर लाइफ, बट अनयूजुअल कंपैरिजन कैपेसिटी के ऊपर जाकर के कंपैरिजन करना, उसके अंदर उस गिल्ट के लेवल को और बढ़ाता जाएगा। क्योंकि अगर आप ऐसे इंसान से कंपेयर करना शुरू करेंगे जो बाय बर्थ बाय डिफॉल्ट आपसे ज्यादा कैलिबर का है, क्योंकि हर एक पर्टिकुलर पर्सन का कैलिबर ज्यादा होता है, तो अगर आप उससे कैलिब्रेट करना चाहेंगे, अपने आप को कंपेयर करना चाहेंगे, तो डेफिनेटली वो आप उसमें नहीं कर पाएंगे, अब वो गिल्ट लाएगा और इस गिल्ट के कारण से डिप्रेशन बढ़ जाएगा। सो नेवर एवर कंपेयर योरसेल्फ विद समवन एल्स, because every individual is a unique. उसके बाद हम बात करते हैं worthlessness. worthlessness का मतलब है कि अपने आप को वो किसी काम का नहीं समझेगा, अपने आप को बेकार समझेगा। और अगर किसी चीज को कोई काम का नहीं माना जाता है तो उसे कोई पर्टिकुलर कोई पर्सन रिस्पॉन्स नहीं करता, उसकी रेस्पेक्ट नहीं करता, ये फीलिंग उसके अंदर आने लगेगी। वो समझेगा कि मेरे अंदर कोई यूटिलिटी नहीं है, मेरा कोई यूज नहीं है, आई एम जस्ट अ बोझ फॉर द सोसाइटी। तो ये इस तरह की फीलिंग उसके अंदर आने लगेगी और ये सारी फीलिंग एक दूसरे के लिए सिनर्जिस्टिक इफेक्ट शो करेंगे फ्रेंड्स। मतलब एक तरह की फीलिंग दूसरे को हावी होगी, गिल्ट कॉज करेगी, और अगर गिल्ट आएगा तो उसके अंदर ये वर्थलेसनेस की फीलिंग आएगी। इस तरह से सारे सिम्टम एक दूसरे को बढ़ा करके पोटेंशिएट करके डिप्रेशन को और ज्यादा वर्स कंडीशन में लेकर के जाएंगे। उसके बाद है हेल्पलेसनेस, ये आखिरी सिम्टम है दिखेगा। हेल्पलेसनेस मतलब अब वो किसी की मदद करने लायक नहीं है, ना ही वो खुद की मदद करने लायक है, अपने आप को असहाय महसूस करने लगेगा, एक आइसोलेटेड फील करना शुरू करेगा और ये डिप्रेशन के लिए काफी डेंजरस हो सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं एक और सिम्टम्स की, दैट इज लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन हॉबीज फॉर विच ही और शी इज वेरी मच एक्साइटेड। इसका पहले भी हमने बताया हुआ है, लास्ट पॉइंट को कंक्लूड कर लेते हैं कि वो अब अपना इंटरेस्ट उस पर्टिकुलर चीज में लॉस करता जाएगा, इंटरेस्ट उसका खत्म होते जाएगा। जिस चीज के लिए उसका इंटरेस्ट पहले बहुत हुआ करता था, वो अपनी हॉबीज को इंजॉय किया करता था, बट नाउ आफ्टर बींग इन अ डिप्रेशन कंडीशन वो अपना जो इंजॉयमेंट है वो फॉरगेट कर जाएगा, वो अब उस पर्टिकुलर चीज में अपना इंटरेस्ट नहीं शो कर पाएगा। और ये एक काफी इंपॉर्टेंट और इजीली आइडेंटिफाई करने वाले सिम्टम है। हमारे आसपास ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं, ऐसे कई पर्सन हैं, इवन कई बड़े मैच्योर बिजनेसमैन हैं, जिनका इंटरेस्ट जिस चीज में पहले हुआ करता था ड्यू टू सम लॉस इन देयर बिजनेस और पर्सनल लाइफ और व्हाटएवर इट इज रीजन, वो अब अपना इंटरेस्ट उस चीजों में खोते जा रहे हैं। किसी को खेलने का शौक था तो अब डिप्रेशन की वजह से वो खेलने में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। सो वाइस वर्सा देयर आर सो मेनी एग्जांपल are there to explain the loss of interest. ये हो गई कुछ important symptom of depression. तो अब हमने पढ़ा मानिया यानी कि bipolar disorder में जो दो condition थे, मानिया और depression, तो उसमें हमने पूरे depression के symptoms समझ लिए हैं। इसके पहले भी जो video था depression के लिए, ये उसमें भी काम आएगा और उसके symptoms इसमें भी काम आएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं bipolar disorder के second phase, that is manic phase के बारे में। तो अगर किसी को मानिया होगा तो क्या होगा? हमने पहले video में बताया था कि मानिया और depression दोनों के opposite टाइप के सिम्टम देखने को मिलेंगे। तो आप दोनों को ओपोजिशन को समझने के लिए उन दोनों के सिम्टम आपको मालूम होने चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम ऑफ मानिया। पहला सिम्टम है इनअप्रोप्रिएट इलेशन एंड इरेटिबिलिटी। इनअप्रोप्रिएट इलेशन एंड इरेटिबिलिटी कहने का मतलब है कि एक लेवल तक इंजॉयमेंट, एक लेवल तक खुश होना, अपनी खुशी को एक्सप्रेस करना, दैट इज ओके। क्योंकि हमारे सोसाइटी में, हमारे फार्माकोलॉजी में भी इसी कॉन्सेप्ट को अपनाया गया है। अगर कोई चीज बैलेंस्ड में है, जैसे आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे पार्किंसन के केस में, अगर कोई चीज बैलेंस कंडीशन में है तो वो ओके है, ऑप्टिमम है। अगर इसी का लेवल कम हो जाता है तो दैट इज कॉल्ड हाइपो, और हाइपो भी प्रॉब्लम कर सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोटेंशन, इस तरह की प्रॉब्लम कॉज कर सकती है। और अगर कोई चीज नॉर्मल से ऊपर चली जाए तो वो भी प्रॉब्लम कर सकती है, हाइपरटेंशन, हाइपरग्लाइसेमिया, इस तरह की चीजें दिक्कत कर सकती हैं। तो ना हमको कम चाहिए ना हमको ज्यादा चाहिए, हमको क्या करना है, हम दोनों को बैलेंस करना है। सो इन दिस केस ऑफ मानिया, ओवर एक्साइटमेंट, ओवर जॉयफुलनेस एक सिम्टम है मानिया का। दूसरा है इरिटेबिलिटी।
इरिटेबिलिटी कहने का मतलब है कि हर छोटी सी बात पे इरिटेट हो जाएगा वो पर्टिकुलर पर्सन, क्योंकि वो पर्टिकुलर पर्सन ऑलरेडी ऐसे कंडीशन में है जहां पे वो हर चीज को एम्पलीफाई करके मैग्नीफाई करके यूज कर रहा है। तो थोड़ी भी चीजें जो उसको पसंद नहीं है वो उसके सामने आएंगी, वो चीजें उससे डिस्कस किया जाएगा तो वो इरिटेट हो जाएगा। अगला जो सिम्टम है सीवियर इंसोमनिया, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सीवियर इंसोमनिया कहने का मतलब है काफी दिनों तक उसकी नींद उड़ जाएगी, उसको नींद नहीं आएगी। कभी कभी ये भी देखा गया है कि उसकी नींद काफी ज्यादा आती है, तो जो मैक्सिमम आउटपुट है दोनों में अगर कंपेयर करेंगे सिम्टम में, तो ये सिम्टम ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नींद उसको ना आए, इंसोमनिया की प्रॉब्लम हो जाएगी। दूसरा है इंक्रीज टॉकिंग स्पीड एंड वॉल्यूम, वो पर्टिकुलर पर्सन अब सडन से ज्यादा तेज बात करने लगेगा और जल्दी जल्दी बात करने लगेगा, तो वो उसके एक सिम्टम है कि वो पर्टिकुलर पर्सन मानिक कंडीशन से गुजर रहा है, क्योंकि ऐसा कंडीशन में उसको लगता है कि वो जिसके अंदर जितनी भी फीलिंग्स है वो आपको सुना दे, आपको एक्सप्रेस कर दे। वो ये फील करता है कि उसके अंदर जो फीलिंग्स है वो एक बोझ के जैसे रखा हुआ है, और जितना ज्यादा और जितना जल्दी वो उस चीज को रिलीज कर दे, वो आपके साथ अपने प्रॉब्लम को शेयर कर दे, वो हल्का फील करने लगेगा, रिलीफ फील करने लगेगा, इसीलिए वो हर चीज स्पीड से और फास्ट वॉल्यूम के तेज के साथ एक्सप्रेस करना चाहता है। फ्रेंड्स मैं दोबारा रिपीट करूंगा, आज का जो टॉपिक है वो हमने लिया हुआ है कॉन्सेप्चुअल फार्माकोलॉजी बाय पद्मजा उदय कुमार, साथ ही साथ इसके जो एक और राइटर हैं दूसरी बुक के उसके बारे में हम बात करेंगे, तो यह है पी जगदीश प्रसाद की बुक से। उसके बाद हमने दूसरा पॉइंट लेते हैं इंक्रीज इन एनर्जी पुअर जजमेंट, एनर्जी बढ़ी हुई लगेगी, काफी ज्यादा एक्साइटमेंट लगेगा उसके अंदर, काफी चीजों को वो कर पाने की एबिलिटी दिखाएगा जो कि एक नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए शायद पॉसिबल ना हो। उसके बाद है पुअर जजमेंट, यानी कि वो प्रॉपर जज नहीं कर पाएगा व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, ये करना चाहिए या वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन ज्यादा गुस्से में है या ज्यादा डिप्रेशन में है तो वो प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाता, और इस कंडीशन के कारण से उसके जजमेंट पे इफेक्ट पड़ेगा। अगला है इन अप्रोप्रिएट सोशल बिहेवियर, वो सोसाइटी में जहाँ पे वो रह रहा है, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो घर हो या किसी आसपास की जगह पे हो, उसका जो बिहेवियर है वो इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा। ये वर्ड डिफाइन नहीं किया जा सकता कि इनअप्रोप्रिएट में क्या क्या इंक्लूड होंगी। इनअप्रोप्रिएट में सिंपल सा मतलब ऐसा है कि जो सोसाइटी द्वारा स्टैंडर्ड डिसाइड कर दिए गए हैं, किसके साथ कैसे बात करना है, कैसे बैठना है, कैसे ड्रेस पहनना है, इन चीज़ों के जस्ट अपोजिट जो कि सुटेबल ना हो फैमिली के अकॉर्डिंगली, सोसाइटी के अकॉर्डिंगली, उनको हम सब कह सकते हैं एक साथ में इन अप्रोप्रिएट बिहेवियर। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब इस तरफ से मूव करके हम इस तरफ की ओर बात करते हैं, इससे पहले एक कुछ ड्रग के बारे में बात कर लें। इसके क्लासिफिकेशन में अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि लिथियम यूज किया गया है, एंटी कन्वर्जन ड्रग को यूज किए गए हैं, लेकिन हमने यहाँ पे ड्रग के कुछ इंपॉर्टेंट नाम ही यहाँ पे शो किए हैं। क्लासिफिकेशन के लिए आप केजी त्रिपाठी को भी रिफर कर सकते हैं, उसमें दो या तीन मेन क्लासेस ही हैं। एग्जांपल की अगर आप बात करते हैं तो लिथियम कार्बोनेट, सोडियम वालप्रोएट और कार्बामेजिपिन, ये काफी ज्यादा यूज किए जाने वाले ड्रग हैं। तो ये हो गए उस ड्रग के एग्जाम्पल। अगर आप बात करते हैं मैकेनिज्म एक्शन की, तो अब आप राइट साइड ऑफ व्हाइट बोर्ड की ओर ध्यान दे सकते हैं। वैसे कि आप किसी भी बुक में देख लीजिए, चाहे आप केजी त्रिपाठी में पढ़ें, चाहे आप लिपिन कौर में पढ़ें, चाहे पद्मजा उदय कुमार की बुक देखें, या पी जगदीश प्रसाद की बुक देखें, या आप रेन की बुक देखें, या आप लेंज की बुक देखें, कैटजंग की बुक देखें, सभी में एक चीज बहुत ही कॉमन दिया हुआ है कि द एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन फॉर बाइपोलर डिसऑर्डर्स ड्रग जो कि इसको ठीक करने में यूज किए जाते हैं इज नॉट येट क्लियर, बट जो एक एजम्पशन है, जो बिलीव की गई है, उन्हीं को हमने अलग अलग बुक से लेकर के यहाँ पे एक पॉइंट के फॉर्म में और उनके रेस्पेक्टिव शॉर्ट डायग्राम के फॉर्म में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो अगर आप इन पॉइंट को समझते हैं डायग्राम के साथ, और ये सारे डायग्राम हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन किए हुए हैं, इसलिए हमने उनको छोटा छोटा डायग्राम ही बस आपको रिकॉल कर सकें इसलिए यहां पे बनाया हुआ है। तो अगर हम पॉसिबल मैकेनिज्म एक्शन की बात करें, द एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज नॉट नोन, बट अगर हम पॉसिबल मैकेनिज्म की बात करते हैं तो वो है मूड स्टेबिलाईजेशन या मूड स्टेबिलाईजर। अब इस वर्ड को पहले समझ लीजिए फ्रेंड, हमने कहा कि ये बाइपोलर डिसऑर्डर है जिसमें मानिया होगा और डिप्रेशन होगा, तो एक प्रकार से तराजू की तरह इसको एक्सपेक्ट कीजिए। ये एक तराजू है जिसमें आप बैलेंस करते हैं, तो कभी मानिया कभी डिप्रेशन, एक ओवर एक्साइटमेंट क्यों लेके जाएगा, एक अंडर एक्साइटमेंट, ये इस तरह से जो बैलेंस है वो कभी बैलेंस नहीं हो पाएगा। तो अगर हम चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर पर्सन नॉर्मल कंडीशन में रहे जैसे हम और आप हैं, तो हम ना ज्यादा एक्साइटेड हैं ना हम ज्यादा डिप्रेस हैं, डिपेंडिंग अपॉन द नीड और डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन हम ओवर जा सकते हैं या शांत बैठ सकते हैं, ये उस समय की डिमांड है और ये अपने कंट्रोल में है। सो अगर कोई ड्रग जिसको आपको ठीक करना है बाइपोलर डिसऑर्डर को, तो हमको मानिया और डिप्रेशन में एक बैलेंस बना करके चलना पड़ेगा। तो ऐसे ड्रग जो कि इस
मूड स्विंग को स्विंग ना होने दें, एक तरफ ना झुकने दें, दोनों को बराबर चलें, दिस इज सिंपली नोन एज अ मूड स्टेबलाइजर ड्रग। तो जो एंटी बाइपोलर ड्रग हैं इनको हम मूड स्टेबलाइजर ड्रग के नाम से भी जान सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं पॉसिबल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। तो पहला जो पॉसिबल है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है एंटी इस तरह के ड्रग की जो मूड को ठीक करने में यूज करते हैं, स्टेबलाइज करने के लिए करते हैं, वो है इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट मतलब आप जानते हैं कि जितने भी चार्ज आयन हैं वो इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं, उनका एक स्पेसिफिक रोल है हमारी बॉडी में एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करने के लिए। तो अगर हम बात करते हैं लिथियम की, तो लिथियम के अंदर एक प्रॉपर्टी है कि वो कंपीट करता है और रिप्लेस करता है सोडियम को बॉडी के कई जगह, खास करके ब्रेन और नर्व में। तो सोडियम को रिप्लेस करने की वजह से जो एक्साइटमेंट है उसका ड्यू टू जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल वो वहां पे थोड़ा सा इनहिबिट हो जाता है, और इस तरह से लिथियम ने सोडियम को रिप्लेस किया। इसका साइड इफेक्ट भी आगे आपको देखने को मिलेगा। तो अगर हम बात करते हैं रिप्लेसमेंट की, तो आप यहां पे देख सकते हैं कि नर्व में जो कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा था जस्ट बिकॉज ऑफ स्टार्टिंग फॉर एक्शन पोटेंशियल, उसके कारण से जाकर के जो नर्व के अंदर के मैसेज हैं, चाहे वो एक्साइटेटरी हो या अदर टाइप के हों, वो मूव कर रहे थे। लिथियम सोडियम को रिप्लेस करता है, कॉम्पीट करता है, इसकी वजह से सोडियम वहां पे एक कह सकते हैं कि सबसाइड में चला जाता है, और इस तरह से वो अपना एक्शन शो करते हैं बाय इनहिबिटिंग द एक्शन पोटेंशियल। जो दूसरा पॉसिबल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है लिथियम का या ऐसे बाइपोलर डिसऑर्डर को ठीक करने वाले ड्रग का, वो ये कहते हैं कि ये जी प्रोटीन को उनके मीडिएटेड रिसेप्टर को, उनके थ्रू एक्टिवेट होने वाले रिसेप्टर को, चाहे वो IP3 हो, एनर्जाइज्ड ट्राइफॉस्फेट का पाथवे हो, उसको ये अफेक्ट करके अपना एक्शन शो करते हैं। जी प्रोटीन के बारे में हमने दो एकदम एक्सक्लूसिव वीडियो अपलोड किए हुए हैं, एक्चुअली तीन वीडियो अपलोड किए हुए हैं, एक प्रेजेंटेशन के फॉर्म में है जिसमें हमने पावर पॉइंट को यूज करते हुए ऑडियो से एक्सप्लेन किया है, दूसरा व्हाइट बोर्ड प्रेजेंटेशन है, और तीसरा हमने उसको एनिमेशन के फॉर्म में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को जी पेट के लिए और अदर एग्जाम के लिए इनको इंक्लूड किया है। तो आप चाहें तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। इसके बाद अगला जो पॉइंट है जिसमें आप जी प्रोटीन के बारे में देखें, डायग्राम हमने बनाया हुआ है, 7 मेम्ब्रेन के हैं जिसमें 3 एक्स्ट्रा हेलिकल हैं, 3 इंट्रा हेलिकल हैं, 1 बाइंडिंग साइट है, बाइंडिंग साइट होने के बाद 3 सब यूनिट हैं अल्फा बीटा गामा। जब वो बाइंड होगा डीएजी पाथवे फॉलो करेंगे, IP3 पाथवे फॉलो करेंगे, तब जाकर के अल्फा सब यूनिट डिसोसिएट होगा और जाकर के वहां पे ATP में कन्वर्ट होंगे। इस तरह से आप उसके मैकेनिज्म को समझ सकते हैं, यहां पे उसको समझना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका मैकेनिज्म बस हमने यहां पे आपको बताया है। अगला है न्यूरोट्रांसमीटर, जो भी अपने एंटीमानिक ड्रग हैं, एंटीबाइपोलर ड्रग हैं, वो न्यूरोट्रांसमीटर को अफेक्ट करके अपना एक्शन शो करते हैं। ये बेसिकली न्यूरोट्रांसमीटर की रिलीज को इनहिबिट करते हैं, और कौन से तरह के न्यूरोट्रांसमीटर को आप देखेंगे, रिड्यूस द रिलीज ऑफ डोपामीन एंड नॉर एपिनेफ्रिन या नॉर एडिनलिन, इन दोनों को रिड्यूस करके ये अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो करते हैं। और इसको समझाने के लिए हमने यहां पे एक डायग्राम बनाया हुआ है, ये डायग्राम काफी ज्यादा यूज हुआ है हमारे के पहले के वीडियो में। यहां पे ये जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं प्रीसिनेप्टिक से, रिलीज होकर के पोस्टसिनेप्टिक तक पहुंचते हैं बाय क्रॉसिंग द सिनेप्टिक जंक्शन, और पोस्टसिनेप्टिक मेम्ब्रेन रिप्रेजेंट अपने रिसेप्टर के साथ के बाइंड होते हैं। और जब ये न्यूरोट्रांसमीटर अपने रिसेप्टर पे बाइंड होंगे तो बनेगा कॉम्प्लेक्स, और जब कॉम्प्लेक्स बनेगा तो इस कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड होने वाले न्यूरोट्रांसमीटर की एक्टिविटी के हिसाब से, उसके प्रोफाइल के हिसाब से, उसके नेचर के हिसाब से एक्शन देखने को मिलेगा। अगर वो एक्साइटेटरी है तो एक्साइटेटरी रिस्पांस मिलेगा, अगर वो इनहिबिटरी है तो इनहिबिटरी रिस्पांस मिलेगा। तो यहाँ पे जो एंटी मानिक ड्रग हैं, लिथियम ड्रग हैं, लिथियम कैटेगरी के ड्रग हैं, जैसे लिथियम कार्बोनेट वगैरह हमने बताया है, ये जो ड्रग हैं वो इस डोपामिन और नॉन एपिनेफ्रिन के रिलीज को इनहिबिट करते हैं, इसके कारण से इनके एक्टिविटी में चेंजेस आते हैं। फिर हम बात करते हैं गाबा की, तो गाबा के बारे में हमने कुछ वीडियो में पहले भी बताया है, दैट इज गाबा अमाइनो ब्यूटायरिक एसिड। ये बेसिकली इनहिबिटरी ट्रांसपोर्टर हैं, और इनके बाइंड होने से क्लोराइड की एंट्री ज्यादा होती है, क्योंकि ये गाबा पे रिसेप्टर पे जब बाइंड होता है तो ये क्लोराइड के चैनल को अंदर आने देते हैं, दैट इज कॉल्ड हाइपरपोलराइजेशन। तो ये ऐसा करके इनहिबिटरी रिस्पॉन्स शो करते हैं, और मानिया जो कि ओवर एक्साइटमेंट था, ऐसे कंडीशन को वापस स्टेबलाइज कर करके मूड को बैलेंस या मूड स्टेबलाइजिंग एक्टिविटी करने का काम करते हैं। So friends, this was a basic mechanism of action which is possible. I am not saying this is the exact mechanism of action because in none of the any book it is clearly explained what is the exact mechanism of action for bipolar disorder. ऐसे drug के बारे में exact definition या exact mechanism नहीं दिया है, but these are the suggested in many books. और ये जो आप यहाँ पे mechanism देख रहे हैं, इसको हमने जैसे बताया, इसको लिया हुआ है हमने Pharmacology for Pharmacy Student by पद्मजा उदय कुमार, और ये जो book दिया है इस तरफ के जो आप देख रहे हैं, इसे हमने लिया हुआ है पी जगदीश प्रसाद की
की बुक से जिसका टाइटल है कॉन्सेप्चुअल फार्माकोलॉजी। तो हमने कई जगह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आपके लिए व्हाइट बोर्ड पर प्रेजेंट किया है। अब हम बात करते हैं इसके फार्माकोलॉजी के अगले आस्पेक्ट की, दैट इज एडवर्स इफेक्ट। ऐसे सारे ड्रग जो कि बाइपोलर डिसऑर्डर को ठीक करने के यूज किए जाते हैं उनके कुछ पॉसिबल एडवर्स इफेक्ट होंगे। जैसे क्या क्या एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं, पहला है एक्यूट टॉक्सिसिटी। एक्यूट टॉक्सिसिटी कहने का मतलब है कि इस तरह के लिथियम को अगर हम यूज करते हैं तो ये लिथियम सोडियम को रिप्लेस कर सकता है, सोडियम की जगह काम करता है, तो सोडियम की जगह लिथियम एक्यूमेट हो जाएगा और इसकी वजह से धीरे धीरे टॉक्सिसिटी जनरेट हो सकती है। दिस इज द एक्यूट टॉक्सिसिटी। दूसरा है रीनल इंपेयरमेंट। रीनल इंपेयरमेंट में अगर आप देखेंगे तो इसमें सोडियम चूंकि लिथियम की वजह से रिप्लेस हो रहा है इसलिए सोडियम आपके यूरिन से बाहर नहीं निकल पाएगा और आपकी किडनी में सोडियम या हमारे ब्लड में सोडियम का लेवल एक्सेस हो जाएगा तो वो आगे जाकर के एडिमा का फॉर्मेशन कर सकता है, बिकॉज इट इज इनिशिएटिंग द एक्यूमुलेशन ऑफ सोडियम एंड वाटर इनसाइड योर बॉडी एंड दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ एडिमा। सो रीनल फेलियर में यहां पे ये है कि वो एब्जॉर्प्शन को भी अफेक्ट कर सकता है और रीनल के जो नॉर्मल फिल्ट्रेशन के परफॉर्मेंस है इनको भी अल्टर करके कुछ ना कुछ कॉम्प्लेक्सिटी कॉज कर सकता है। अगला है एडिमा, जैसे हमने बताया क्योंकि सोडियम और वाटर वहां पे रिटेन हो रहे हैं इसलिए उस पर्टिकुलर जगह पे स्वेलिंग यानी कि आपका एडिमा देखने को हो सकता है। अगला है आपका नौजिया एंड वोमिटिंग, दीज आर द वेरी कॉमन प्रॉब्लम साइड इफेक्ट associated with most of the drug। इसके साथ साथ डायरिया, हेडेक, डिजीनेस, इंसोमिया भी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि हमने कहा यहाँ पे जब इंसोमिया के बारे में बात कर रहे थे तो कई कंडीशन ऐसे होते हैं जिसमें इंसोमिया की कंडीशन आ जाती है और कई ऐसे होती हैं जिसमें कोई पर्टिकुलर पर्सन काफी सोता है, तो डिपेंड करता है अलग अलग कंडीशन पे, पर मैक्सिमम इंसोमिया की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हो गए एडवर्स ड्रग रिएक्शन के या एडवर्स इफेक्ट ऑफ एंटीमानिक एंटीबाइपोलर ड्रग के। अब हम लास्ट में बात करते हैं ड्रग इंटरेक्शन। तो ड्रग इंटरेक्शन कहने का मतलब होता है कि अगर मैं इस ड्रग को, कौन से ड्रग को, एंटीमानिक ड्रग को या लिथियम को किसी और ड्रग के साथ ले रहा हूं तो ये जीआईटी में जाने के बाद जब ये ड्रग के मॉलिक्यूल इस ड्रग के मॉलिक्यूल से मिलेंगे तो आपस में इंटरैक्ट, इंटर मतलब दो के बीच में एक्ट करके क्या रिस्पॉन्स शो करेंगे। हो सकता है कि एक ड्रग दूसरे के ड्रग के एक्शन को इंक्रीज कर दे या दूसरा ड्रग दूसरे के एक्शन को डिक्रीज कर दे, कुछ भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो जो एकदम इंपॉर्टेंट एग्जांपल है हमने एक दो यहां पे यूज किया हुआ है। जैसे अगर मैं लिथियम को थायाजाइड जो कि एक डायुरेटिक है इनके साथ कंबाइन रूप से लेता हूं तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से जो रीनल क्लियरेंस होगा लिथियम का वो 25% तक कम हो जाता है, यानी कि रीनल क्लियरेंस नहीं होगा लिथियम का, लिथियम के क्लियर ना होने की वजह से लिथियम की एक्यूबिलिटी या एक्यूमुलेशन रेट बढ़ जाएगा आपके बॉडी में एंड दैट में कन्वर्ट इनटू अ एक्यूट टॉक्सिसिटी, क्योंकि कोई भी चीज अगर कहीं भी एक्यूमुलेट होती है, इकट्ठे होती है तो उससे नुकसान ही है। अगर कोई ड्रग बॉडी में एक्यूमुलेट होता है तो टॉक्सिसिटी कॉज करेगा, अगर कोई बॉडी फ्लूइड बॉडी में जमा होता है तो एडिमा करके कॉज करेगा। जैसा कि कहीं भी आप देख सकते हैं कहीं भी कोई भी चीज अगर एक्यूमुलेट हो रहा है मोर देन नॉर्मल टाइम being, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम ही कॉज करेगा। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया है जो आपके एग्जाम में शॉर्ट नोट या जस्ट डेफिनेशन के फॉर्म के लिए आ सकता है, तो आपके लिए ये यूजफुल होगा ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप कमेंट बॉक्स में हमें सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको जो हमारा एफर्ट है फॉर द फार्मेसी प्रोफेशन एंड फॉर द डियर स्टूडेंट्स वो कैसा लग रहा है। अगर आपको लगता है कि देयर इज सम चांसेस फॉर इंप्रूवमेंट प्लीज हमें कमेंट करिए, हम आपके उस सजेशन को बहुत जल्दी फॉलो करने की कोशिश करेंगे और हम बहुत जल्दी आपके लिए कुछ ऐसी चीजें लेकर के आने वाले हैं जो हो सकता है आपके लिए बहुत बेनिफिट हो, ऐसा मैं अपने तरफ से उम्मीद करके कह सकता हूं। सो अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं जो कि आपके सजेशन पे बेस्ड है तो आप थोड़ी देर में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू।